अगर आप भी अपना कॉलर स्क्रीन को जो है यूज़ करते करते बोर हो गए हुए हैं और दोस्तों आप ट्राई करना चाहते हैं एक नया कॉलर स्क्रीन, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना कॉलर स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो आईफोन वाला कॉलर स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन का कॉलर स्क्रीन कैसे चेंज करें तो फिर इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फो हिंदी में। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपना मोबाइल फ़ोन का कॉलर स्क्रीन और डायलर स्क्रीन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको ओपन कर लेना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कुछ परमिशन देना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो है कुछ परमिशन दे देते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली सेट पे क्लिक कर देना है और सेट डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोबारा से आपको सेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। एक और परमिशन आपको यहाँ पर से दे देना है, और यहाँ पर से परमिशन देने के बाद दोस्तों एक और परमिशन यहाँ पे है लास्ट में, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक और परमिशन यहाँ पर दे देना है ऑटो स्टार्ट का, और यहाँ पे आपको ओके 11 पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे बैक आ जाना है। अब दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं हमारा जो है सेटिंग कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ पर से आपको नीचे के साइड में जो थ्री डॉट देखने को मिल रहा है इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको नीचे के साइड में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल लिखा हुआ है, सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल स्क्रीन, सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद आपके सामने काफी सारा कॉलर स्क्रीन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है फोटो स्टाइल। अगर आप चाहते हैं आप अपना कॉन्टेक्ट में फोटो लगाना तो उसका स्टाइल किस प्रकार से आए, फोटो किस प्रकार से आए, तो यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप अपने फोटो का जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, तो इसको हम जो है रहने देते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे एंसर स्टाइल, सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं हमारा पहले एंड्रॉयड और यहाँ पे आईफोन की तरह कॉल रिसीव होगा, यहाँ पे आईफोन सेलेक्ट है। अगर हम चाहते हैं गूगल की तरह कॉलर स्क्रीन आए तो यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देंगे। अब जो है आप देख सकते हैं गूगल की तरह कलर स्क्रीन आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आसूस का भी कॉलर स्क्रीन आ गया कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप देख सकते हैं टू बटन यहाँ पे आ गया, एक रिसीव करने वाला, एक जो है इन करने वाला। इसी प्रकार से दोस्तों काफी सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम सिंपली आईफोन पे ही सिलेक्ट रहने देते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं किसी का भी कॉल आएगा तो यहाँ पे दोस्तों आईफोन की तरह आएगा। अब दोस्तों इसके अंदर अगर आपको कुछ कस्टमाइज करना है, कोई जो है बटन छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ एक सेटिंग का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे सेटिंग का साइज कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साइज जो है ज़्यादा हो गया, यहाँ पे क्लिक करके हम जो है साइज को कम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साइज कम हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे हाइट जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको जितना रखना है इस प्रकार से जो है आप इसको सेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी सारा सेटिंग है, तो आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है आपका कॉलर स्क्रीन चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे कॉल करके दिखा देता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं पहले हमारा कॉलर स्क्रीन जो है एंड्रॉयड वाला था, और अभी फिलहाल जो है आईफोन वाला आ गया। हम यहाँ पे स्लाइड करके कॉल को रिसीव कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।